आपके ख्याल में किसमें टाइम ज़्यादा लगता है, भाई खाना बनाने में या खाने से पहले उसकी प्रेप्स में, यानी कि सामान इकट्ठा करना, जो चॉप करना हो चॉप करके रखना, धोना धुलाना और एक तरफ चीज़ों को करके रखना ताकि आप मैरिनेट करके रखें। वैसे अगर मैं बताऊँ तो भाई प्रेप्स में बड़ा ही टाइम लग जाता है। क्वांटिटी से चीज़ों को निकाल के रखना और फिर किसी चीज़ को कूटना है और किसी चीज़ को पीसना है और किसी को धोना है। भाई गोश्त की बात कर रहा हूँ कि उसको धोना पड़ता है, वैसे गोश्त नहीं कीमे की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि हम आज लेकर आए हैं आपके लिए मजेदार सी बाजरे आटे की कबाब। हमने लिया था 1.5 किलो कीमा और उसके अंदर डालते गए चीजें, जैसे कि प्याज हो गई, जैसे कि टमाटर हो गए, 3 मसाले हो गए भाई, और हमारा हो गया चिली सॉस। और ये जो आप देख रहे हैं ये तो है भाई सफेद मिर्ची पिसी हुई, और फिर सोया सॉस भी डाल दिया और कुटी हुई लाल मिर्चें, और इसके अलावा बाकी चीजें तो आप देख ही लेगा। अच्छा, इसके अंदर चाइनीज नमक भी डलेगा भाई, बहुत सारी चीजें डलेंगी। पहले तो मैं इली को कह रहा था कि इली भाई ये सब याद से निकाल लेना, ऐसा ना हो कि कोई चीज छूट जाए, कुछ रह जाए। भाई अच्छा फ्लेवर तो चाहिए ही ना। और आपको बताऊं एक बात, अगर बाजरे आटे की कबाब में 1 या 2 इंग्रेडिएंट्स भी आपसे मिस हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा रह गया। सच बता रहा हूँ, ट्राई करके देख लेना। अरे अरे ट्राई मत करना भाई, मजा नहीं आएगा ना, तो फिर फायदा क्या बनाने का। अच्छा ये जो है ना, ये चर्सी मसाला है। मुझे भी ना हंसी आती है इस मसाले का नाम सुन के, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब जो नाम है वो तो नाम है ही ना। और एक प्रोटिप आपने याद रखनी है, वो ये कि जितना आपने कीमा लेना है उसका आधा लेना है आपने बाजरे का आटा, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, यानी कि मेरी वाली ट्रिक, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ। अब फिर आपने इसको रख देना है कवर करके, स्टोर करके, और थोड़ी ही देर बाद जितने भी घंटे आपने रखने हो, दोपहर से लगा के शाम में फ्राई करेंगे और शाम से लगा के रात में फ्राई करेंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब आप कवर हटाएंगे तो फिर आपने सबसे पहले गर्म कर लेना है तेल को, लेकिन याद रहे कि खोलते हुए तेल के अंदर आपने कबाबें नहीं डालनी है भाई, थोड़ा मीडियम आंच पे डालनी है, और चमचा तो आपने बिल्कुल ही नहीं मारना जब तक कि वो प्यारा सा रंग ना पकड़ ले, टूट जाती है ना कबाबें, वरना आपको कबाब नहीं कीमा ही खाना पड़ेगा। ये ना हमारे साथ बाद में हुआ था, ये कीमा कीमा खाने पड़ गया था भाई इली की वजह से, बट चलो इली ने बना के बड़ा अच्छा दिया था, है ना, आप भी अग्री करते हैं ना। और प्लेटिंग ना आज मैंने ही की थी, तो जरा लाइक कर दें इसके लिए और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को बेल आइकन के साथ।